वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की स्टोरी द रैट्रैप बाय सेल्मा लैगरलॉफ. सेल्मा लैगरलॉफ एक स्वीडिश राइटर है एंड उन्हीं की ये शॉर्ट स्टोरी है द रैट्रैप. सो द रैट्रैप से आप क्या समझते हो? वो ट्रैप जो रैट को पकड़ने के लिए सेट किया गया है, जिसे आप हिंदी में कहते हो चूहेदानी. सो ये जो पूरी स्टोरी है ये रिवॉल्व करती है अराउंड एक रैट्रैप सेलर. अब ये जो रैट्रैप सेलर होता है काफ़ी ज़्यादा पुअर है एंड इसीलिए ये जो भी पैसे मांगता है पहले उससे रैट्रैप्स को बनाता है एंड फिर उन्हें सेल करता है. एंड इसमें इसका गुजारा पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए ये इधर उधर छोटी मोटी चोरियाँ भी करता रहता है. अब एक दिन ऐसे ही जब वो रैट्रैप सेल करने के लिए जा रहा था तो इसके दिमाग में एक थॉट आया. एंड वो थॉट ये था कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसके आसपास ये एक तरह का रैट ट्रैप है जो एक बेट या फिर लालच ऑफर करता है इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे ब्यूटीफुल हाउसेस हो गए या बहुत सारी चीज़ें. एंड लोग इसी रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. एंड जब ये सारी चीज़ों को वो सोचता है उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है. उसका ये फेवरेट पास टाइम होता है इसके बारे में सोचने में. और क्यों? क्योंकि कभी भी किसी ने उसके साथ ढंग से ट्रीट नहीं किया था, कहीं भी वो वेलकम नहीं था, इसीलिए उसको ऐसा लगता है, उसको मज़ा आता है दूसरों के बारे में ऐसा सोचने में कि किस तरीके से लोग ये दुनिया के बनाए हुए रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए एक्स्ट्रा क्लास ऐप, क्योंकि इंग्लिश की सारी वीडियोस, नोट्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास ऐप पर. सो जाइए एंड डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, गो एंड डाउनलोड नाउ. सो ऐसे ही एक शाम जब ये रैट्रैप सेलर चलता जाता है तो रास्ते में उसको देर हो जाती है, इसीलिए वो एक घर के सामने जाके नॉक करता है पूछने के लिए कि क्या वो यहाँ पे एक रात के लिए रुक सकता है. तो यूजुअली तो कभी भी उसे कोई वेलकम नहीं करता था, कभी भी उसके कोई अपने पास या एक्सेप्ट नहीं करता था. लेकिन जब उसने इस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आया एक ओल्ड मैन. एंड वो ओल्ड मैन इस रैट्रैप सेलर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड उसने परमिशन दे दी इसको अपने घर पे रहने के लिए फॉर वन नाइट. क्योंकि ये अकेला रहता था, इसके साथ कोई था नहीं, तो उसे बहुत अच्छा लगा कि इसके घर पे कोई गेस्ट आया. अब ये जो ओल्ड मैन है ये ना सिर्फ उसको रहने के लिए एक शेल्टर देता है बट उसके साथ उसको खाने के लिए भी देते हैं, उसके साथ गेम भी खेलते हैं. एंड इन फैक्ट वो इसके साथ इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं कि वो ये भी बता देते हैं कि वो पैसा कैसे कमाते हैं. सो वो इन्हें बताते हैं कि पहले वो रामसो आयरन वर्क्स में काम करता था, लेकिन वहाँ पे अब बिकॉज ये ओल्ड हो गए हैं इतना लेबर कर नहीं सकते, इसीलिए अब उन्होंने एक काउ रखी हुई है जिसके मिल्क से जो क्रीम बनती है उसको सेल करके वो अर्न करते हैं. जो ये रैट्रैप सेलर है ये जब इन सारी चीज़ों को सुनता है तो उसको यकीन सा नहीं होता, उसको हैरानी होती है. एंड उसको हैरानी इसीलिए होती है क्योंकि कभी भी किसी ने भी उसको इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था. तो वो हैरान हो जाता है कि ये इंसान मुझे इतनी सारी चीज़ें, अपनी पर्सनल चीज़ें क्यों बता रहा है और मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है. मीनवाइल ये जो ओल्ड मैन है ये विंडो के पास जाता है एंड वहाँ से एक पाउच उठाकर लेकर आता है एंड दिखाता है उसको कि देखो इसमें मेरे 30 क्रोनोर्स हैं. क्रोनोर्स क्या होते हैं? क्रोनोर्स होती है स्वीडन करेंसी. ये मैंने अभी अभी कमाए हैं. तो उसके अंदर बेसिकली 3 नोट होते हैं 10 क्रोनोर्स के. वो उसको दिखाता है, वापस अपने उस पाउच में डालता है एंड जाके विंडो के पास उसे टांग देता है. अब अगले दिन सुबह दोनों उठ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो उस हाउस का ओनर है वो उठा हुआ होता है, इसीलिए इसको भी लगता है कि जब घर का हेड उठ गया तो मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, तो ये भी उठ जाते हैं एंड देन ये अपने अपने रास्ते सुबह चले जाते हैं. अब कुछ देर बाद ये जो रैट्रैप सेलर है ये वापस आता है उसके घर के सामने एंड ये डोर के थ्रू नहीं जाने की कोशिश करता. इसको पता था कि ओल्ड मैन ने अपने मनी कहाँ रखे हैं, तो ये विंडो के पास जाता है एंड उसको स्मैश करके, उसको ब्रेक करके जो पैसे वहाँ रखे होते हैं उसको निकाल लेता है एंड वहाँ से चले जाता है. अब उसने ये डिसाइड किया कि वो पब्लिक हाईवे से नहीं जाएगा क्योंकि पब्लिक हाईवे से अगर वो जाएगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे, लोगों को समझ आ जाएगा कि यही चोर है क्योंकि इसके पास इतने पैसे हैं. इसीलिए वो देखता है कि मैं फॉरेस्ट वाले रास्ते से जाऊँगा ताकि मैं पकड़ में ना आऊँ. तो वो फॉरेस्ट वाले रास्ते पे चल पड़ता है. अब जैसे ही उस रास्ते पे चलता है वो एक तरीके से स्टार्टिंग में तो उसको बड़ा मज़ा आता है
कि चलो अच्छा है मैंने इतने पैसे चुरा लिए अब मुझे कुछ दिन तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो उस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल पाता तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये मेरी गलती है। एंड ये क्यों है मेरी गलती? क्योंकि जैसे मैं कुछ दिन पहले लोगों के बारे में सोच के ये बात खुश हो रहा था और उनका मजाक उड़ाता था कि वो लोग इस पूरे वर्ल्ड के रैट ट्रैप में किस तरीके से फंस जाते हैं, मैं आज खुद लालच में आकर एक रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। ये जो फॉरेस्ट है एक भूल भुलैया की तरह है और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। इतने में जितने वो कम्प्लीटली थक जाता है उसको आवाज़ आती है ज़ोर ज़ोर से थम्पिंग की। थम्पिंग मतलब लोहे को पीटने की आवाज़ आती है। एंड उसे पता चलता है कि यहाँ पे साइड में एक आयरन मिल है, तो वो जाता है एंड उस आयरन मिल के अंदर जाके बैठ जाता है। एंड वहाँ क्यों जाता है वो? क्योंकि एक तो रात बहुत हो रखी होती है, ऊपर से ठंड होती है, तो आयरन मिल के अंदर फायर होती है, तो वहाँ पे जाके वो उसके पास बैठ जाता है। अब बाकी सारे लोग उसे कुछ खास भाव नहीं देते, नोटिस नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होते ही रहता है, ऐसे ट्रैम्प तो आते ही रहते हैं एक रात अपनी स्पेंड करने के लिए, तो ये भी आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो ब्लैकस्मिथ होता है वो भी उसको नोटिस करता है बट उसको ऐसा कुछ कहता नहीं है, तो वो भी अपने आराम से वहाँ पे फायर के पास लेट जाता है। इतने में थोड़ी देर बाद उस मिल का जो ओनर है वो वहाँ पे आते हैं। सो ये मिल कौन सी है? रामसो आयरन मिल, जिसमें वो ओल्ड मैन काम किया करता था। तो जब वो यहाँ पे आता है वो देखता है कि ये इंसान यहाँ पे सो रहा है, लेकिन ये बाकी सबकी तरह उससे इग्नोर नहीं करता, इनफैक्ट उसके पास जाता है उससे पूछने के लिए कि वो कौन है क्या है। लेकिन जैसे वो उसकी शक्ल देखता है उस फायर के रिफ्लेक्शन में तो उसको लगता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है। अब ये जो आयरन मास्टर था पहले ये मिलिट्री में था, तो उसको लगता है ये मेरे साथ ही था सेम रेजिमेंट में, सो ये मेरे साथ मेरा दोस्त है एंड अब ये इस कंडीशन में है। सो वो उसे बोलता है कि तुम निल्जोलफ हो। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब उसे लगता है, इनफैक्ट उसे समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है मुझे अपना दोस्त समझ रहा है, एंड इसीलिए वो उससे झूठ नहीं, इनफैक्ट उससे सच नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसको लगेगा कि मैं उसका दोस्त हूँ तो शायद वो मुझे कुछ पैसे दे दे। तो वो इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो जो आयरन मास्टर है वो उसे बोलता है कि तुम्हें कभी भी जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कभी छोड़ के जाना नहीं चाहिए था, अब कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ पर आ गए हो, चलो हमारे साथ। मैं यही सोच रहा था और अपनी डॉटर को भी यही बोल रहा था कि हमारे साथ क्रिसमस मनाने के लिए कोई है नहीं, जैसे तुम जानते हो मेरी वाइफ एक्सपायर हो गई थी और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड हैं, तो मैं और मेरी बेटी जो है क्रिसमस पे अकेले थे, तो हम सोच ही रहे थे कि कोई हमारे साथ आए और क्रिसमस मनाए, तो अब तुम जब यहाँ पे आ ही गए हो चलो मेरे साथ मेरे घर एंड मैं तुम्हें वहाँ पे जाकर खाना भी खिलाऊंगा एंड तुम ढंग के कपड़े भी पहन सकते हो। तो जैसे ही वो इन सब चीज़ों को बताता है तो रैट ट्रैप सेलर जो है वो स्मार्ट होता है, उसे पता होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलती से भी पता चल गया कि ये चोर है, गलती से भी उसकी आइडेंटिटी सामने आ गई तो वो फंस जाएगा, तो वो मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना। तो आयरन मास्टर जो है उसकी बात को काफ़ी ज़्यादा टालने की कोशिश करता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है लेकिन कन्विंस नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। तो कुछ देर बाद आयरन मास्टर की डॉटर जिसका नाम है एडला विलमैनसन वो वहाँ पे आती है एंड वो जैसे तैसे इस रैट ट्रैप सेलर को कन्विंस कर लेती है अपने साथ चलने के लिए घर पे। वो रैट ट्रैप सेलर को देखते ही पहचान लेती है कि या तो ये इंसान कहीं से भाग के आया है या फिर इसने कुछ चोरी की है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। लेकिन फिर भी ये इतनी मॉडेस्ट होती है, इतनी अच्छी होती है, उसे कहती है कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ये क्रिसमस ईव तो हमारे साथ स्पेंड कर लेना। तो जैसे तैसे ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो एडला विलमैनसन को मना नहीं कर पाता एंड ये दोनों घर चले जाते हैं। अब जैसे ही ये घर पे जाते हैं तो जो आयरन मास्टर है वो कहता है कि चलो ठीक है कि अब इसको हम थोड़ा मेकओवर कर लेते हैं ताकि इसको प्रॉपर क्लोथ्स दे दें, खाना वाना खा लें ताकि ये अच्छा दिखे। तो जैसे ही वो नए कपड़े पहन के आता है, एकदम घूम हो के साफ़ सुथरा होके आता है, तो जो आयरन मास्टर है उसको एकदम से शौक लगता है। उसे लगता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं जिसे मैं समझ रहा था, मैं तो समझ रहा था ये कोई और है। अब उसको जब ऐसा लगा कि इसने मेरे साथ धोखा किया तो आयरन मास्टर ने बोला कि तुम क्या मेरे साथ धोखा कर रहे थे? तो रैट ट्रैप सेलर बोलता है कि मैंने थोड़ी ना कुछ किया, तुम ही तो मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आए, मैं तो मना ही कर रहा था कि मुझे नहीं जाना, मैं तो यहाँ पर बस अपनी रात स्पेंड करने के लिए आया था, लेकिन तुम ही थे जो मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए यहाँ पर। तो फिर ये जो आयरन मास्टर है
वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो फिर मैं काम करता हूँ, शेरिफ को या पुलिस को कॉल करता हूँ, वो ही डिसाइड कर लेगी कि तुम्हारा क्या करना है। तो अब रैट ट्रैप सेलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। तो रैट ट्रैप सेलर उसको कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे गरीब लोगों के लिए, ट्रैम्प के लिए ये दुनिया बहुत सारे रैट ट्रैप्स जो है वो सेट करती है, मुझे बहुत सारी बेट्स देती है, जैसे कि तुमने मुझे बेट दी कि अपने घर पे बुलाया रखने के लिए, रहने के लिए, एंड मैं भी आ गया इसलिए तुम्हारे साथ। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्ही ने मुझे कहा था तभी तो मैं आया, अदरवाइज मैं तो तुम्हें मना ही कर रहा था। सो जब ये बात हुई तो आयरन मास्टर कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, जब तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं, ये गलत फहमी थी, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इतने में जो उनकी डॉटर होती है एडला विलमैनसन, वो जाके दरवाज़ा बंद कर देती है एंड वो कहती है कि नहीं फादर, हम इसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। एंड क्यों? क्योंकि ये क्रिसमस का टाइम है एंड हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे यहाँ से जो है सैड जाए। इसीलिए देखो इतने टाइम से ये चलता रहा होगा, इधर उधर घूमता रहा होगा, पता नहीं कितने टाइम से इसने कुछ खाया नहीं है, प्रॉपरली सोया नहीं होगा, तो इसीलिए हमें इसके साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये यहीं रुक सकता है जब तक ये चाहे, एंड जब इसका मन करेगा ये चला जाएगा, एंड एटलीस्ट क्रिसमस तक तो ये हमारे साथ रुक ही सकता है, कल शाम तक तो रुक ही सकता है हमारे साथ ये। तो जो उसके फादर थे उसने कहा कि देखो तुम रिग्रेट करोगी इस चीज़ को, तो उसने कहा नहीं नहीं आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आज हम यहीं रहने देते हैं। तो ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है ये एडला विलमैनसन के इस तरह के नेचर को देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और साथ साथ शॉक्ड होता है। उसे लगता है कि ये कितनी कंपैशनेट है, ये मेरे साथ इतनी अच्छी तरीके से बिहेव कर रही है, कितनी काइंड हार्टेड है। तो उसको एकदम से फील होता है कि कोई मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है इसके लिए जो ये मेरी इतनी तरफदारी कर रही है। तो अब ये काफ़ी देर तक सोता है, फिर उठता है थोड़ी देर बाद, खाना खाता है, फिर सोता है, फिर क्रिसमस ईव पे उठता है जब वो क्रिसमस ट्री को लाइट अप करते हैं, थोड़ी देर उस टाइम पे उठता है, फिर सोता है, एंड वो इतना सोता है, दिन भर सोता रहता है एज इफ जैसे पता नहीं कितने टाइम से वो उसको नींद ही ना आई हो प्रॉपरली। अब अगले दिन सुबह क्या होता है, अगले दिन सुबह एडला विलमैनसन और उसके फादर चर्च जाते हैं, एंड चर्च जाके उन्हें पता चलता है कि किस तरीके से एक ओल्ड मैन से किसी ने 30 क्रोनोस चुराए। अब उन्हें समझ आ जाता है ये और कोई नहीं है, ये वही है जो उनके घर पे रुका हुआ है, ये चोर जो है वही है। तो अब जो उसके फादर और एडला होते हैं एकदम से परेशान हो जाते हैं एंड दोनों अपने कैरिज में बैठ के घर जाते हैं। एंड जो फादर होते हैं, जो आयरन मास्टर होता है, वो कहता है कि अब देखना तुम पक्का जो हमारे घर में सिल्वर स्पूंस थे वो भी सारे के सारे चुरा ले गया होगा वो। तो जैसे ही वो घर के सामने पहुँचते हैं एक वर्कर वहाँ पर होता है, वो उससे पूछते हैं कि तुमने क्या इस रैट ट्रैप सेलर को जाते हुए देखा? तो उसने कहा हाँ। तो उसने कहा कि तुमने देखा वो अपने साथ कुछ लेकर गया? तो उसने कहा नहीं वो अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं गया, इनफैक्ट कुछ इनफैक्ट रख कर ही गया है, वो एक गिफ्ट लेके गया है, एंड दैट टू फॉर एडला विलमैनसन। तो जब एडला उसे देखती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, तो वो इस प्रेजेंट को खोलती है, उस पैकेट को खोलती है और देखती है उसके अंदर एक रैट ट्रैप है जिसके अंदर 30 क्रोनोस पड़े हुए थे। तो 3 नोट्स होते हैं वहाँ पे 10-10 क्रोनोस के, तो 30 क्रोनोस उसके अंदर पड़े हुए होते हैं एंड साइड में एक नोट होता है एडला विलमैनसन के लिए। अब उस नोट में क्या लिखा होता है रैट ट्रैप सेलर ने? उसने लिखा होता है कि बिकॉज आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, मैं नहीं चाहता कि आप एम्बैरस हो कि इस क्रिसमस आपने एक थीफ को अपने घर पर होस्ट किया, इसीलिए मैं अब सोच रहा हूँ अपने रास्तों को बदलने की, ये चोरी वोरी ना करने की, एंड दैट इज़ वाई जो है वो उसको थैंक करता है कि उसके नेचर के लिए, एंड नीचे जो साइन करता है वो अपना नाम नहीं लिखता, वो लिखता है नीचे कैप्टन वॉन स्टे, ये जो नाम है वो उसको नीचे लिखता है। एंड जब एडला इसे पढ़ती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो खुश क्यों हो जाती है? क्योंकि उसे पता चलता है कि अब इसने अपने रास्ते जो हैं वो बदलने शुरू कर दिए हैं, इसका मतलब ये कि अब ये चोरी नहीं करेगा, एंड ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर इस स्टोरी की हम थीम की बात करते हैं तो मेजरली यही है कि सबके अंदर कहीं ना कहीं एसेंशियल गुडनेस होती ही है ना, एंड सामने वाला अगर हमें एक्सेप्ट करे, हमारे साथ अच्छे से डील करे, तो डेफिनेटली सी बात है वो एसेंशियल गुडनेस हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि अगर एडला विलमैनसन रैट ट्रैप सेलर के साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करती डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी सच्चाई वो जान चुकी थी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो रैट ट्रैप सेलर है इसका मन बदल जाता तो ये चोरी वोरी करना छोड़ देता, तो वो डिसाइड भी नहीं करता ये। लेकिन एडला ने उसके साथ इतनी अच्छी तरीके से बिहेव किया कि वो फोर्स्ड था बदलने के लिए, एंड यही है इसकी थीम कि एसेंशियल गुडनेस सब में होती है, लेकिन उसके साथ साथ सब चाहते हैं कि सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट करे,
लव दे एंड केयर दे. यही है इसकी थीम और यही थी इसकी छोटी सी समरी कि किस तरीके से ये एक जर्नी थी इस रैट ट्रैप सेलर की टू बिकमिंग अ कैप्टन, दैट इज कैप्टन वॉन स्टेल. वो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेल क्यों लिखता है, क्योंकि वो एक ट्रैम्प था, वो एक रैट ट्रैप सेलर था, लेकिन जिस तरीके से एडला ने उसे ट्रीट किया, एक कैप्टन के स्टेटस की तरह ट्रीट किया, इसीलिए उसने अपने आप को ये नीचे जो था साइन किया एज कैप्टन वॉन स्टेल. सो यही थी इसकी स्टोरी और थीम. अब जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो सेम यही आ सकते हैं कि उसने क्यों डिसाइड किया टू मेंड हिज वेज. तो आप इसमें यही लिखोगे क्योंकि एडला ने उसके साथ इतनी अच्छाई दिखाई, इतने अच्छे तरीके से बिहेव किया कि ही वॉज फोर्स टू चेंज हिज वेज. सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों, क्या क्या डिफरेंस था एडला के फादर में और एडला में. तो आप लिख सकते हो कि एडला स्मार्ट थी, उसको लोगों की पहचान थी, उसको समझ आ गया था उसको देखते ही कि या तो ये कहीं से भागा है या फिर इसके इसने कुछ चोरी किया है, कुछ छुपा रहा है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो कंपैशनेट थी, अपने फादर की तरह नहीं थी. एंड फादर जो थे वो इम्पल्सिव थे, उन्होंने उनको समझ नहीं थी लोगों की, इसीलिए उनको धोखा हो गया, ये उनको लगा कि उनका दोस्त है लेकिन ये उनका दोस्त तो नहीं था. तो इस तरीके से आप जो इनका डिफरेंस है उसको मेंशन करोगे. सो यही है इस चैप्टर की समरी, थीम एंड क्वेश्चन आंसर्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.